भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंत्रिमंडल की मेरी सहयोगी, देश की प्रथम महिला जो रक्षा मंत्रालय को संभालती है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, डॉक्टर सुभाष भामरे जी, तीनों सेनाओं के उच्च पदाधिकारीगण, एनसीसी के महानिर्देशक, विदेशों से आए हुए हमारे मेहमान और एनसीसी की महान परंपरा का हिस्सा आप सब मेरे युवा साथी, नेशनल कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर में एक बार फिर आपके बीच आना हर बार की तरह आनंदित कर रहा है। जब भी मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आता हूं तो अतीत की अनेक यादें मन मस्तिष्क में उभर आती है। जोश और अनुशासन, ये जो दिन आप आज जी रहे हैं, मुझे भी इन क्षणों को जीने का अवसर मिला है। एक कैडेट के तौर पर बिताए वो दिन आज तक मेरे संकल्प को, मेरी प्रेरणा को ऊर्जा दे रहे हैं। साथियों, इस कैंप का अपने आप में एक गौरवशाली अतीत भी है और भविष्य को लेकर इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। इस कैंप का हिस्सा बने आप सभी कैडेट्स को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले वर्ष जब मैं आपके बीच आया था तो मैंने आपसे कुछ आग्रह किया था। देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों में सक्रिय योगदान के लिए आपसे अपील की थी। मुझे खुशी है कि बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने अनेक महत्वपूर्ण कदमों के साथ खुद को जोड़ा। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, बेटी बचाओ बेटी अभियान हो, पर्यावरण से जुड़े मुद्दे हो, जन जागरण के ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आपके प्रयास प्रशंसनीय है। विशेष तौर पर केरल में भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव कार्यों में एनसीसी के कैडेट्स का योगदान बहुत सराहनीय है। सहयोग और समर्पण का जो पाठ आपने यहां सीखा है, उसको आपने केरल में मुश्किल में फंसे स्वजनों को राहत देने में अमल में लाया। मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रकार अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। साथियों, दो दिन पहले ही हमारा गणतंत्र ने 70वें वर्ष में कदम रखा। पहले राजपथ पर और आज यहां पर आपके चेहरे की चमक और आपके अनुशासन की झलकियां मैंने, और उन झलकियों में मुझे नए भारत का कदम ताल दिखता है। पूरे आत्मविश्वास के साथ सीना चौड़ा किए, मस्तिष्क को ऊंचा रखे, राष्ट्र के गौरव के लिए तत्पर, ये असीम ऊर्जा उत्साह देने वाले होते हैं। आपका ये जोश, आपका ये उत्साह ही है जिसके कारण भारत आज नए आत्मविश्वास से भरा है। आज दुनिया कह रही है कि भारत ना सिर्फ संभावनाओं से भरा हुआ देश है बल्कि उनको साकार भी कर रहा है। साथियों, देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर
दुश्मन से निपटने का हमारा सामर्थ्य हर स्तर पर हमारी क्षमताओं का विस्तार हुआ है। हमारी सेना ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हम छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर छेड़ा तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। हम शांति के प्रबल समर्थक हैं, लेकिन राष्ट्र रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में हम चूकेंगे नहीं। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों में देश के रक्षा और सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। साथियों, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है जिसके पास जल, थल और नभ से परमाणु हमले और आत्मरक्षा करने की क्षमता है। इसके अलावा दशकों से लटके पड़े लड़ाकू विमानों और आधुनिक तोपों से जुड़े समझौतों को जमीन पर उतारा गया है। देश में भी मिसाइल से लेकर टैंक, गोला बारूद और हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं। मैं देश, आप युवा साथियों को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में हर वो बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, सक्षम रहेगा, तभी युवा अपने सपने साकार हो पाए कर पाएगा। साथियों, आप यहां देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए, आप में से अनेक छोटे छोटे गांवों और कस्बों से, अलग अलग पृष्ठभूमि से है। मुझे आप सभी के परिश्रम का एहसास है, आपके समर्पण का एहसास है। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि यही परिश्रम हम सभी को समर्थ बनाता है, हमारी नींव को ठोस करता है। परिश्रम का क्या परिणाम होता है ये जानने के लिए एनसीसी के आप सभी कैडेट्स को बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर से ही अनेक साथियों ने हाल में ही अद्भुत हौसला दिखाते हुए देश को गौरव के पल दिए हैं। पर्वतारोहण और ट्रैकिंग जैसी साहसिक गतिविधियां हो या फिर खेल के मैदान पर तिरंगा लहराने का काम, अनेक कैडेट आगे आए हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टर की कैडेट हिमा दास को तो आज दुनिया गौरवपूर्ण रूप से जानने लगी है। धान के खेतों में दौड़ते दौड़ते, खेतों की पगडंडियों पर संतुलन साधते हुए हिमा दास आज इस स्तर पर पहुंची है। अभाव को अवसर बनाते हुए हिमा ने पहले जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और फिर एशियाई खेलों में देश को गौरवान्वित किया है। ऐसी अनेक युवा प्रतिभाओं को जब मैं देखता हूं, जब उनसे मिलता हूं, तो मेरा भरोसा तो मजबूत होता ही है। इस भरोसे को और सशक्त करने की ऊर्जा भी मिलती है। साथियों, सपने देखना और आकांक्षाओं को उड़ान देना, यही युवा की पहचान होती है, यही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अपने सपनों और आकांक्षाओं को और ऊंचा उड़ने दीजिए, अपने प्रयासों का पूरा विस्तार दीजिए।
वर्तमान सरकार देश के हर युवा को, हर सपने देखने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। नया भारत हर कर्मयोगी को सम्मान देगा, अवसर देगा। आप सभी साथी जब देश की वर्कफोर्स में जाने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं, आपने किस परिवार में जन्म लिया, आपकी जान पहचान किससे है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके आधार पर आपका भविष्य तय नहीं होगा। आपका कौशल, आपका आत्मविश्वास, आपके पैर के छाले ही आपको परिणाम देने वाले हैं। साथियों, इस परंपरा को तोड़ने के लिए समाज में हर प्रकार के असंतुलन, असमानता को बांटने के लिए एक सार्थक प्रयास जरूरी है। वीआईपी नहीं, ईपीआई, यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, इस संस्कार को मजबूत करने का प्रयास लगातार हो रहे हैं। गाड़ी के ऊपर से लाल बत्ती हटाई गई है, अब दिमाग से भी झटका इसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आप आश्वस्त हैं, आपके सपनों को, आपकी आकांक्षाओं को सिर्फ अभावों और परिस्थितियों के कारण समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, अवसरों की समानता की जब जब बात आती है, तो एक महत्वपूर्ण विषय हमारी बेटियों से भी जुड़ा है। मेरे सामने बैठे आप तमाम कैडेट, चाहे वो बेटे हो या फिर बेटियां, आपके जोश में और आपके सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं है। बेटियों को हर प्रकार के अवसर से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बीते 4.5 वर्षों में बेटियों को वर्क फोर्स में प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। श्रम, सेवा और उद्यम के साथ साथ देश के डिफेंस को भी हमारी नारी सशक्त कर रही है। इसके लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। पहली बार हमारी बेटियां फाइटर पायलट्स बनी है। तारिणी का गौरव तो पूरी दुनिया ने देखा है। अब सेना में भी बेटियों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मिलिट्री पुलिस की टोटल कॉर्प में 20% तक महिलाओं की भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, नारी शक्ति का दम बीते 4.5 वर्षों में राजपथ पर भी देखा है। पिछली बार महिला स्वर्ण दस्ता राजपथ पर उतरा था, तो इस साल देश के इतिहास में पहली बार महिला जवानों की पूरी टुकड़ी परेड में शामिल हुई है। देश ने यह भी पहली बार देखा कि पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व एक बेटी ने किया है। बेटियां समाज के हर क्षेत्र में लीड करें, इसके लिए बेहतर माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीते 4.5 वर्ष की पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको आश्वासन मिलेगा कि अब नारी सशक्तिकरण, बेटियों की उपयुक्त भागीदारी पर चर्चा नहीं, एक्शन हो रहा है। साथियों, अवसरों की समानता के रास्ते में भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बाधा है। घुसखोरी, भाई भतीजावाद, अपना पराया, हमारी व्यवस्था में
इनके लिए कोई स्थान होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार नए भारत का संस्कार हो ही नहीं सकता। मेरा और मेरी सरकार की सोच और एक्शन दोनों इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्ट आचरण करने वाला कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई भी नहीं बचेगा। अपनी पहुंच से प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वालों को दलालों और बिचौलियों के माध्यम से हर फैसले हर फाइल की बोली लगाने वालों को, गरीब से गरीब व्यक्ति के हक को लूटने वालों की सफाई करने में मैं पूरी क्षमता और ईमानदारी से जुटा हूं। साथियों, आज सरकार जो कुछ भी कर पा रही है उसके पीछे आप सभी युवा साथियों का सक्रिय योगदान है। स्वच्छ भारत से देश में स्वच्छता का आंदोलन आपने आगे बढ़ाया। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को आपने समर्थन दिया। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ईमानदार और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी हर योजना को आपने सरकारी बनने से बचाया है। एक और आग्रह आपसे है, देश की विरासत, देश के राष्ट्रनायकों की स्मृति से जुड़ा हुआ बीते 3-4 वर्षों में यहां दिल्ली में अनेक ऐसे नए और पवित्र स्थल बनाए गए हैं जहां आप जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन जगहों पर हो आए हो, लेकिन फिर भी आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अभी हाल में ही मैं लाल किले में क्रांति मंदिर का लोकार्पण किया गया है। ये क्रांति मंदिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। जब आप वहां जाएंगे तो आपको यह भी जानकारी मिलेगी कि आजाद हिंद फौज और लाल किले का क्या संबंध है। इसी तरह पिछले साल राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का भी लोकार्पण हुआ है। देश के आंतरिक इलाकों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहीद हुए हजारों पुलिस और सुरक्षा बलों की स्मृति में इस स्मारक का निर्माण हुआ है। आप सभी अलीपुर रोड पर बने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण स्थल पर भी जा सकते हैं। साथियों, ये जगह है दिल्ली की नई पहचान बन रही है। सरदार पटेल का नया स्मारक दिल्ली में बना है, डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। इन जगहों पर आपको इतिहास से जुड़ी अनेक महान व्यक्तित्वों से जुड़ी जानकारियां तो मिलेगी। देश के लिए काम करने की, समाज के लिए काम करने की एक नई ऊर्जा भी मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आपकी इस ऊर्जा से न्यू इंडिया का नया जोश और बुलंद होगा। आने वाले महीने में एक और नजराना और एक प्रेरणा स्थली, लंबे इंतजार के बाद देश को सुपुर्द होने वाली है। आजादी के बाद देश के लिए मरने मिटने वाले हमारे वीर जवान, हमारे सेना के जवान एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल, देश इसकी प्रतीक्षा कर रहा था, देश के जवान प्रतीक्षा कर रहे थे। वीरों के परिवारजनों की स्वाभाविक प्रतीक्षा थी, लंबे अरसे से वो भी अटका पड़ा था। ये काम सालों पहले होना चाहिए था, लेकिन सरकार में आने के बाद हमने वो फैसला लिया। अब वो पूर्णता पर है और फरवरी महीने में
देश के वीर बलिदानियों जिन्होंने उच्च बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसे वीरों की स्मृति में भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का वॉर मेमोरियल करीब करीब तैयार हो चुका है। फरवरी महीने में उसे भी लोकार्पण करने का अवसर मिलेगा और देश के हमारे इन वीर जवानों को सम्मानित करने का सौभाग्य मिलेगा। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर हमारी सोच को बदलता है। महीने भर का ये वास्तव्य एक प्रकार के हमारी हर सोच को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती है। हर सोच में हम हमारे देश के लिए क्या सोचते हैं, सिर्फ अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपनी जाति बिरादरी नहीं, देश के संदर्भ में सोचने के लिए यह अवसर देता है। किसी भी देश का बड़ा बनना, आगे बढ़ना इस बात पर निर्भर है कि वहां के समाज व्यवस्था में एकता का सूत्र कैसे बंधे हुए हैं लोग। उस राष्ट्र की प्रगति का दूसरा आधार है वो कितना आशावादी है, कितनी आकांक्षाओं से भरा हुआ है। निराशा की गर्त में डूबा हुआ समाज न कभी खुद को ऊपर ले जा सकता है, न कभी देश को ऊपर ले जा सकता है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। और जिन सपनों को लेकर के देश के आजादी के दीवानों ने आजादी का जंग लड़ा था, उन सपनों को पूरा करने का वक्त अब शुरू हो चुका है। आइए हम सब मिलकर के भारत मां का जयकार का नाद करते हुए उन सपनों को एक नई ऊर्जा दे, नई ताकत दे, नया संकल्प करे। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।